सभी सहयोगियों दोस्तों और योग साधकों को मेरी राम राम नमस्कार। मैं पिछली वीडियो बनाई थी, जैसे कि योगासन होते हैं वैसे ही प्राणायाम होते हैं, उसी प्रकार योग मुद्राएं होती है। तो हमें पिछली बार दो मुद्राएं बताई थी, उसी दौरान कई कमेंट बॉक्स में सुझाव दिया गया कि हमें एक दो मुद्रा और बताई जाए। तो हम आज जो मुद्रा बनाऊँ, जो सबसे समस्या मूत्र विकार की जो मुद्रा है वो कैसे करनी है, तो अपनी पाँचों उंगलियाँ खोल लीजिए, इनको सामने कर लीजिए, इनको आराम से धीरे धीरे बंद करिए, खोलिए, फिर इनको थोड़ा तेज कीजिए और जब जब लास्ट में बिल्कुल तेज कर दीजिए। इसको बोलते हैं हस्तचालिनी मुद्रा। यह मूत्र रोगों में बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों को मूत्र में जलन है या गाढ़ा रंग का है या कुछ और किसी प्रकार की दिक्कत है, खासकर स्त्रियों को मूत्र रोग विकारों में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसे मूत्र रोग विकार होते हैं जिसे सफ़ेद पानी या लिकोरिया जैसी बीमारी है उनमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, खासकर स्त्रियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसको बोलते हैं हस्तचालिनी मुद्रा है। तो इसलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, दूसरी मुद्रा के बारे में बताएंगे।